here's one of the most attractive fish tank at Pyramid Aqua System. Nilesh bhai, काफी खूबसूरत टैंक आपने बनाई हुई है और उससे भी खूबसूरत फिशेस इसके अंदर रखे हैं। दो से तीन वैरायटीज मुझे तो दिख रही है। मैं चाहूंगा आप मुझे कुछ इस फिश टैंक के बारे में बताएं। सबसे पहले क्या बताओगे आप हमें? ये जो फिशेज है ये भी सब कम्युनिटी फिशेज है। एग्रेसिव है इनमें कैटेगरी जी, एग्रेसिव भी है इनमें, कम्युनिटीज भी है, जायंट भी है। अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा जायंट जी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेवन नोज कैटफिश। ओके, ये अभी जो मेरे पास है अराउंडली 5 इंच तक है, बट मैक्सिममली ये वाइल्ड में या किसी रिवर में अगर आप इसको छोड़ोगे जी जी, तो इट कैन बी ग्रो मोर देन द 3 फिट। ओके, ताकि इसको उठाने के लिए एक फुल्ली हैंड से इसको उठा सकते हैं जी जी, 3 फीट लॉन्ग तक ये बड़ा होता है जी जी, और इसका वजन 4.5-4 किलो से भी बढ़ सकता है। ओके, वाइल्ड में कैप्टिविटी में अगर आप इसको देखोगे तो कैप्टिविटी में ये 1.5 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है, अगर वो भी अगर आप इसको फीडिंग प्रॉपर करेंगे तो। ओके, इसको फीडिंग में ये सब कुछ प्रीफर करते हैं, ये सबमर्सिबल पैलेट्स प्रीफर करता है, ये श्रिम्स प्रीफर करता है, कुछ पैलेट फूड्स चिचिल भी ये कैरी करता है। अगर आप इसको नॉन वेजिटेरियन फीड्स जैसे देना चाहते हो, जैसे चिकन पीसेस जी जी, वो भी ये खा सकता है, और ये फीडिंग फिश भी खा सकता है, दे कैन ईट द लाइव फिश ऑल्सो। ओके, अगर मैं इनके साथ किसी छोटे फिश को रखूँगा, दे कैन ईजिली ईट द स्मॉल फिश। सो रिमेंबर दैट थिंग कि इसके साथ छोटा फिश ना रखे जी, दे विल ईजिली ईट द स्मॉल फिश। सो बी केयरफुल गाइज, इफ यू वॉन्ट टू कीप द शेवलनोस कैटफिश इन कम्युनिटी एक्वेरियम, सो कीप अवे द स्मॉल फिश फ्रॉम दैट टैंक। ओके, और कौन सी अगली फिश वैरायटी आप दिखाओगे हमें? अगर आप देखोगे तो रेड कलर के पैरेट्स आर देयर, रेड पैरेट्स आर देयर, देयर आर सम येलो पैरेट्स इज आल्सो देयर, येलो पैरेट्स। ओके, अगर आपने बहुत बार देखा रहेगा बहुत सी जगह पर कि पैरेट्स का कलर बाद में फेड होता है जी, जैसे जी, एक मेरे पास पैरेट है, देखो इसका कलर भी फेड हुआ है, ये एक्चुअली एक कस्टमर के पास से आया हुआ पैरेट है, ये बड़ा वाला जी। देखो कभी भी ध्यान में रखो, मैंने पहले भी कहा था, ये जो पैरेट स्पीशीज है इन सबको इंजेक्टेड कलर दिया जाता है। ओके, ये बाहर से जितने भी जो आने वाले पैरेट फिश है ना जी, इन थाईलैंड में या इन मलेशिया में जो कोई भी कंट्रीज में है, इट इज़ अ इंजेक्टेड फिश। इसको इंजेक्टेड कर इनको कलर आर्टिफिशियली दिया जाता है, तो इनको अगर आपको कलर में रखना है ना, तो आपको इनको हार्मोन सप्लीमेंट फूड देना पड़ेगा। ओके, या इनको कलरेशंस का फूड देना पड़ेगा, जैसे टेट्राबिट्स। ओके, टेट्राबिट्स के अंदर हार्मोन ब्लड लाइन्स के फूड इंग्रेडिएंट्स है, जिससे इसका कलर मेंटेन रहता है। okay, अगर मैं ये पैरेट्स को अगर टेट्राबिट्स दे दूंगा ना, तो ये एज इट इज़ कलर में रहेंगे। ओके, अगर मैं इनको टेट्राबिट्स या किसी चीची फिश के सिवा अगर कुछ लोकल फूड देने चालू करूंगा ना, तो अगर आप देखोगे इन 20 डेज दिस रेड कलर विल कम्स ऑन द वाइटिश शेड बिकॉज ऑफ द लो हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ द लो ब्लड लाइन्स। ओके, ये ऐसा होता है, तो इनको सप्लीमेंट फूड देना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, अगर इनको सप्लीमेंट फूड ना मिलेगा तो दे बिकम वाइटिश। ओके, नीलेश भाई, और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि एक भी पैरेट फिश आपकी आपस में लड़ नहीं रही है, झगड़ नहीं रही है, क्योंकि व्यूवर्स का जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला, जो लोग भी पैरेट्स रखते हैं सबसे ज़्यादा वो ये परेशानी से गुजरते हैं कि हमारी पैरेट फिश एक दूसरे को मार रही है टैंक में, सबके साथ झगड़ रही है, पर आपकी मैं पूरी टैंक देख रहा हूँ एक भी फिश जो है झगड़ नहीं रही है एक हर एक के साथ। देखो हर फिश का एक अलग से थियरी होती है। मेरे पास बहुत से कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि जो मार्केट से फिश लेकर जाते हैं पैरेट फिश, उनके पास पहले भी पैरेट फिश होते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे नए वाले पैरेट्स को पुराने पैरेट्स मार रहे हैं जी जी। देखो कभी भी ध्यान में रखना, ये पैरेट फिश भी है, ये भी चिचिल्स कैटेगरीज में भी आता है। ओके, तो ध्यान में रखना, इन लोग क्या करते हैं अपने टेरिटरी जगह को इन लोग फाइनलाइज करते हैं। ओके, जैसे पुराने वाले जो पैरेट्स है वो अपनी पुरानी टेरिटरी जगह को फाइनलाइज करेगा जी जी। अगर आपको उसी टैंक में अगर नए पैरेट्स अगर छोड़ना है ना जी, तो डेफिनेटली पुराना पैरेट नए पैरेट्स को मारेगा। ओके, तो ध्यान में रखो, नया पैरेट फिश छोड़ने के पहले आप पहले अपने टाकी के अंदर के, अपने फिश टैंक के अंदर का जो लैंडस्केपिंग है जी, वो चेंज कर दो। ओके, ताकि उसकी जो पुरानी हाइडिंग टेरिटरी जगह है ना, उसको वो मिस करे। ओके, उसको आपको चेंज करना है, और पुराने पैरेट फिश को 10 मिनट के लिए फिश टैंक से पकड़कर बकेट में रखना है। ओके, ताकि
देखो फिशेज में मेमोरी नहीं होती है जी जी जी, तो ध्यान में रखो अगर आप पुराने पैरट्स को निकाल कर बकेट में 10 मिनट के लिए रखोगे और अंदर का थोड़ा लैंडस्केपिंग जो पहले का सेटअप है वो थोड़ा आप चेंज करोगे ना, उसके बाद आप नए पैरट को पहले डाल देना फिश टैंक में और पुराने पैरट को बाद में डाल देना, आप उसके बाद चेंजेस ये दिखेगा आपको कि आपके पुराने वाले पैरट नए पैरट्स के साथ झगड़ा तो नहीं कर रहे, उल्टा नए वाले पैरट्स को उन लोग डरेंगे बराबर, क्योंकि क्या होता है कि इनमें मेमोरी नहीं होती है, उसके कारण क्या होता है एक तो आपने उनकी टेरिटरी जो हाइडिंग प्लेस है वो आपने उसको चेंज कर दिया और सेकेंडली उन लोग वहाँ से बकेट में आने के बाद थोड़ा स्ट्रेस और डरने के बाद वापस फिश टैंक में डालने के बाद उन लोग अब नए पैरट्स हैं नए फिश है जी, तो उन लोग अपनी जगह खोने के बाद उन लोग एक न्यू कमर्स है जैसे जो आपने पहले ही जो न्यू कमर छोड़ा लेकिन उन लोग में मेमोरी नहीं होने के कारण उन लोग न्यू कमर्स है जी जी, तो एडजस्टमेंट जल्दी होता है तो सेटलमेंट जल्दी होता है और हर फिश एक दूसरे के साथ सेट अवेलेबल होता है जी, ये ध्यान में रखना। आई थिंक आपने बहुत ही सही तरीके से बढ़िया तरीके से ये बात बताई है एंड आई होप कि ये बहुत सारे व्यूवर्स को हेल्प करेगी जिनके भी पैरट फिश फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगली फिश वैरायटी अगर हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत वैरायटी की फिश है ये वाली, ये कौन सी फिश है? ये मोनो एंजल है, आपको इसके बारे में बहुत से लोगों को तो मालूम ही होगा, ये ब्रैकिश वाटर फिश है जी जी, दे आर सर्वाइविंग इन द सैलिनिटी एक्वेरियम आल्सो एंड इनको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रेश वाटर में। ओके, इनको ये मार्केट से जब आते हैं जी जी, तब आने के बाद इनको थोड़ा सॉल्ट लेवल इनको मेंटेन रखना पड़ता है पानी के अंदर। ओके, बिकॉज दे आर फ्रॉम द ब्रैकिश वाटर। ओके, तो ये थोड़ा सॉल्ट लेवल इनको डालकर थोड़ा फ्रेश पानी में इनको सेट करना पड़ता है। ओके, यानी मैं इजीली ये कहना चाहूँगा कि ये फिश मरीन पानी में जल्दी ज़्यादा सेट होते हैं जी जी, लेकिन फ्रेश पानी में उतना सेट होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। अच्छा, तो ये फिश को भी थोड़ा क्वारंटाइन और सेट करने की प्रोसीजर होती है। अच्छा, अगर आपने ये प्रोसीजर प्रॉपरली की तो ये जल्दी से सेट होकर अपना एक्टिविटी और अपनी मूवमेंट दिखा देते हैं, वरना ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार ना ये ज़्यादा सेट नहीं होते तो इसमें मोर्टिलिटी लेवल भी उतनी ज़्यादा होती है। ओके, so this was today's video about the pyramid aqua system fish shop that is located at Kamote in Mansarovar. If you like this video, do hit the thumbs up button and make sure you stay tuned to watch some more upcoming interesting videos coming soon on SJ Inceptions. I hope you enjoyed watching this video as I loved making this video. Thank you so much for watching. Have a wonderful day ahead. The phone number and the address of this fish shop is provided in the description. If you are interested in visiting the shop, you can check out the address in the description.